नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद मंगलवार को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य का 2024 और 25 का बजट पेश कर दिया है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि अब एनडीए के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। वहीं विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। इसी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को विधान परिषद में भड़क गए। उन्होंने विपक्ष की ओर से हो रही नारेबाजी पर अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल नीतीश कुमार स्वास्थ्य के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे, इसी दौरान विपक्ष में नारेबाजी शुरू हो गई। हंगामा कर रहे राजद विधान पार्षद सुनील सिंह पर भड़क गए। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री हाय हाय की नारेबाजी कर रहे सुनील सिंह पर भड़कते हुए कहा कि अरे हाय हाय कर रहा है, तोरा जो हालात है ना याद नहीं है, जब आप शुरू कर देंगे तो बर्बाद हो जाएगा, जाओ बैठो या जाना है तो जाओ, हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं इसको, देख नहीं रहे हैं किस तरीके से कर रहा है। इसे सुनकर नीतीश कुमार भड़क उठे। नारेबाजी होने पर बिहार के सीएम भड़क गए और कहा कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद इसलिए क्योंकि हम स्वास्थ्य का काम करके सभी का इलाज कर रहे हैं, आप सबको मरवाना चाहते थे इसीलिए हमारा मुर्दाबाद, ये लोग गड़बड़ करने वाले हैं इसीलिए नारे लगा रहे हैं। नीतीश कुमार के इस रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आप बिहार में बैठकर नीतीश कुमार को जितना बड़ा नेता मानते हैं उतने वो है नहीं। हम भी प्रदेश की राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं। 42 विधायकों वाले एमएलए की पार्टी को चला रहे नीतीश कुमार को 75 साल की उम्र में पूछ कौन रहा है। आप लोगों ने तो बिहार में हल्ला किया कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के फेस होंगे, संयोजक तक नहीं बनाया गया, इन्होंने नाम रखा दूसरा तो नाम बदल कर इंडिया कर दिया गया। ये बात करने गए कुछ तो इनको कोई तरजीह ही नहीं मिली, खुद से मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। नीतीश कुमार की क्या हैसियत है कि वो बन जाएंगे? भैया देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस का अपना छोड़कर इनको क्यों बना देगी? दूसरे नंबर पर तृणमूल है, तृणमूल अपना छोड़कर इनको क्यों मान लेगा? तीसरे नंबर पर डीएमके है, वो अपना छोड़कर इनको क्यों मान लेगा? प्रशांत किशोर ने आगे नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आप गठबंधन में ऐसी कौन सी नई चीज ला देते हैं जो दूसरे नहीं ला सकते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के जिस पद पर बैठे हैं वो भी नहीं बचने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने दीजिए, नीतीश कुमार की राजनीतिक कहानी का अब अंत आ गया है। जैसे किसी पिक्चर के अंत के 5 मिनट मारधाड़ होती है, वही नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का क्लाइमैक्स चल रहा है, नीतीश कुमार के जीवन का पटाक्षेप चल रहा है। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार को आप लोग जितना बड़ा नेता बताते हैं बिहार में बैठ के, हम भी तो देश की राजनीति थोड़ा बहुत समझते हैं। 42 विधायक वाले एमपी के एमएलए के पार्टी को नीतीश कुमार को 75 साल की इस उम्र में पूछ कौन रहा है? आप लोग तो बिहार में हल्ला किए कि ये इंडिया के प्रधानमंत्री के फेस होंगे, संयोजक तक तो बनाया नहीं, इन्होंने नाम रखा दूसरा तो उसको हटा के कर दिया इंडिया, ये गए बात करने कुछ इनको कोई तरजीह भी नहीं मिली, ये तो खुद से मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। और बिहार के पत्रकार जो हैं अपनी अज्ञानता कहिए या बिहार के प्रति उनका प्रेम है, उनको लगता है कि बिहार का ही कोई हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? नीतीश कुमार की क्या हैसियत है कि वो बन जाएंगे? भैया देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस अपना छोड़कर इनको क्यों बना देगी? दूसरे नंबर पर तृणमूल है, तृणमूल अपना छोड़कर इनको काहे मान लेगा? तीसरे नंबर पर डीएमके है, वो अपना छोड़कर इनको काहे मान लेगा? आप ही के मुंह में सबसे अच्छा सुरकाफ का पर लगा है, ये आपको क्यों मान लेगा? आप क्या उस गठबंधन में ऐसा चीज ला रहे हैं जो दूसरा नहीं ला सकता है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, पिछले 6 महीना में यही आप, हम तो साल भर से कह रहे हैं, आप लोग उछल रहे थे। पटना में बैठक हो गया तो नीतीश कल संयोजक बनने वाले हैं, तो परसों प्रधानमंत्री के चेहरा बनने वाले हैं, तो 6 महीना के बाद शपथ लेने वाले हैं। अरे मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं वो भी नहीं बचने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने दीजिए, नीतीश कुमार की कहानी राजनीतिक कहानी का अब अंत आ गया है। ये 5 मिनट लास्ट का जैसे पिक्चर में होता है ना 5 मिनट का मारधाड़ हल, तब अब क्लाइमेक्स चल रहा है, नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का पटाक्षेप होने वाला है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, आगे की तमाम अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।